दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम सोया के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ साथ देश के अंदर खाद्य तेलों की क्या स्थिति है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों शनिवार को सोया कॉन्क्लेव यानी इंदौर में आयोजित हुआ और जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव में सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की गई। सस्ते खाद्य तेलों से सोया उद्योग बेहाल हो गया है। दोस्तों खबर ये भी निकल के आ रही है कि इस ये संगठन ने खाद्य तेलों पर सरकार द्वारा 30% ड्यूटी लगाए जाने का भी आह्वान किया गया है। गौरतलब है इस साल देश में लगभग 125 करोड़ हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई है, ऐसे में देश में उत्पादन भी बेहतर हो सकता है। सरसों में भी 113 लाख टन का उत्पादन हुआ था और यदि दाम नीचे बने रहे तो अगले साल किसान सोयाबीन की बिजाई से कदम पीछे खींच लेंगे और नतीजा ये होगा कि देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर के लक्ष्य से काफी पिछड़ सकता है। सरकार को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुरंत खाद्य तेलों के आयात पर कम से कम 30% ड्यूटी लगानी चाहिए, जो फिलहाल 5% ही है। सरकार चुनाव की चिंता में उद्योग और किसानों की चिंता नहीं कर रही है और उल्लेखनीय है कि चुनावी साल होने से सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में जुटी हुई है, ऐसे में ड्यूटी फ्री आयात को भी अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि किसान और छोटे व्यापारी इससे काफी प्रभावित होते हैं। गौरतलब है कि जब उत्पादन अधिक होता है और तो सरकार उस वक्त सरकार को सस्ते विदेशी आयातित तेलों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गौरतलब है कि जब उत्पादन कम होता है या कीमतें बढ़ती है तो सरकार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करती है, लेकिन जब देश के अंदर उत्पादन अधिक होता है और खाद्य ऑयल सीड्स MSP से नीचे बिक रहे होते हैं तो ऐसी दशा के अंदर सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक ऑयल सीड यानी सोयाबीन को खरीदने का भी जुगट लगाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब बाजार घटते हैं तो किसान और छोटे व्यापारियों की कोई मदद नहीं होती, जब दाम बढ़ते हैं तो सभी प्रकार के नियंत्रण, स्टॉक लिमिट और सस्ते आयात को प्रमोट किया जाता है, लेकिन किसानों और छोटे व्यापारियों पर किसी का हित ध्यान नहीं जाता है। गौरतलब है कि सोपा ने कहा देश में सोया उद्योग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है और अभी सोया उद्योगों की प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 2.5 करोड़ टन की है, जबकि 1.25 करोड़ तक का ही उत्पादन है। दूसरी ओर विदेशी तेल के ज्यादा आ जाने से हालत बहुत ज्यादा खराब है और नतीजा यह है कि प्लांट्स आधी क्षमता पे ही चल रहे हैं। सरकार यदि उद्योग और किसानों को बचाना चाहती है तो खाद्य तेलों के दामों की रेंज भी तय करनी चाहिए। आज से 5 साल पहले सोयाबीन 90 रुपये था और अब 85 रुपये बिक रहा है, साथ साथ तेलों के आयात ड्यूटी का भी ढांचा विदेशी तेल बाजारों के दामों के आधार पर ही निश्चित होना चाहिए। सोया कॉन्क्लेव इंदौर में यह भी बात निकल के आई कि 10 वर्षों में दूध के दाम दुगने हो गए हैं और दूध 60 रुपए लीटर बिक सकता है तो खाद्य तेल 120 रुपए लीटर बिकना चाहिए। खाद्य तेलों के घटे दाम से सोयाबीन उद्योग बिल्कुल बेहाल हो गया है और किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन सोपर ने चेताया यदि यही हाल रहा तो देश के किसान अगले वर्ष तिलहन की फसलों की बुआई से हाथ खींच सकते हैं और देश भर की उद्योगपतियों की मौजूदगी में सोपर ने सोयाबीन तेल की आयात ड्यूटी बढ़ाने की भी मांग की। सोपा के चेयरमैन ने भी इस बात की काफी वकालत की कि सरकार को अब तुरंत ध्यान देना चाहिए। सोपा कॉन्क्लेव में सोपा के चेयरमैन देविज जैन ने कहा कि सोयाबीन को देश में आए 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं और किसानों का जीवन बदलने वाले सोयाबीन ने में देश के खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। अभी हम जरूरत का 60% से ज्यादा खाद्य तेल आयात करते हैं और बीते कुछ महीनों में सरकार ने खाद्य तेलों की आयात पर ड्यूटी शून्य कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि इस साल में देश में 42 लाख टन तेल का आयात हो चुका है, जो बीते वर्ष से लगभग 10 लाख टन अधिक है। जरूरत से ज्यादा आयात का नतीजा ये रहा कि अब देश में उत्पादित सोयाबीन और सोया प्रोसेसर पर दबाव है और सोयाबीन के दाम मंडियों में 4400 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 रुपए से भी कम है। सोयाबीन की आवक कल शनिवार को 5,65,000 बोरी की रही, जबकि एक दिन पहले 5,35,000 बोरी की थी और सोयाबीन के भाव
सोया तेल के हाजिर भाव 875 रुपए दुलिया में बताए गए, लातूर के अंदर 860 और अकोला के अंदर 875 बताए गए, जबकि नांदेड़ के अंदर 860 और सोलापुर में 860 के भाव थे। ये सोया तेल के भाव है। और यदि बाकी तेलों को अभी भी देखें तो जो मस्टर्ड सीड की बात करें तो मस्टर्ड सीड के भाव यानी सरसों के भाव जयपुर में 5750 से 5750, दिल्ली में 5450 से 5500, भरतपुर में 5400 और अलवर में 5425 से 5450 रहे। साथ साथ एकदम सूरजमुखी की भी बात करें तो सूरजमुखी में चलकेरे के भाव 5150, अडोनी 4850, बायतगी 4900 के भाव बताए जा रहे हैं। मूंगफली के भाव देखें ऑयल सीड्स के अंदर तो 6200 से 7100 रुपए बीकानेर बिक रही है, चलकेरे 6650 और मेड़ता में 6200 से 7100 रुपए क्वालिटी अनुसार बताया जा रहा है। मूंगफली तेल की बात करें तो अहमदाबाद में 1750, चेन्नई में 1720 के भाव है, बीकानेर में 1400 के भाव निकल के आ रहे हैं। साथ साथ यदि हम आरबीडी पामोलिव की बात करें तो काकीनाडा में 795, हैदराबाद 816, चेन्नई 815 और दुलिया में 840 से 845 के भाव हैं। साथ साथ सूरजमुखी तेल रिफाइंड के भाव भी देखें तो चेन्नई में 875, काकीनाड़ा में 860 के भाव है और सनफ्लावर एक्सप्लेरर के भाव 810, चेन्नई लातूर 820, हैदराबाद 830 है। तो कुल मिलाकर और मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी का भाव देखें तो जयपुर में 1025 से 1026, अलवर के अंदर 1015 से 1016 और मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेरर के भाव 1015 से 1016 जयपुर, दिल्ली 990, चरखी दादरी 965 है। आपको इन सभी भावों का बताने का मकसद कि खाद्य तेलों के अंदर भाव काफ़ी सीमित और गिरे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।